और वो क्यों कैसे, अरे ये क्या आ रहा है यार। इस वीडियो में ना सात ऐसे तरीके बताऊंगा भाई, रातों रात आपके फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे रातों रात। और यार ये जो मैं चीजें बताने वाला हूँ ना, ये पॉइंट्स मान लो या जो मैं बातें आपसे शेयर करने वाला हूँ, कोई भी वीडियो कोई भी बुक से नहीं मिलेंगे आपके। आपके साथ मेरा चैलेंज लग गया, अगर आपको मिल गया कॉमेंट में बता देना यार ये किस वीडियो में एक भी पॉइंट मिल गया, और यार मैं आपको 20,000 रुपए दूंगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ और इसलिए मैं इतनी एश्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ क्योंकि यार ये जो मैं तरीके ये बताने वाला हूँ, ये ट्रिक्स एंड टैक्टिक्स यार, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। क्योंकि यार आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे चल जाओ, इतना तो भाई ने कर दिया, हर प्लेटफॉर्म पे ना भाई का होल्ड है नेक्स्ट लेवल, चाहे इंस्टा हो चाहे यूट्यूब हो चाहे टिकटॉक हो। बट भाई अब बात करते हैं फॉलोअर्स आप कैसे इंक्रीज कर सकते हो, इस वीडियो में ये तो मैं बताऊंगा, साथ ही साथ ये जो आपने फॉलोअर्स इंक्रीज कर लिए इससे आप पैसे कैसे कमा सकते हो, मैं कैसे कमाता हूँ, मैं कितने पैसे कमाता हूँ, ये सब जानना है। फटाफट यार सब्सक्राइब का बटन दबाओ ना यार, बेल आइकन दबाओ फटाफट, तभी तो ये बकचोदी शुरू करेंगे। चलो ये सात पॉइंट बताने से पहले एक मेरे को चीज आप आंसर करके बताओ, ये अपनी मुंडी पूरी जगह घुमाओ और बताओ आजकल दुनिया में क्या चल रहा है। लॉकडाउन, अरे बांगड़ू लॉकडाउन तो चल रहा है, लॉकडाउन के साथ साथ क्या चल रहा है ये देखो ना यार। एक तो डिजिटल इंडिया पहले लाए मोदी जी, जिस वजह से सारी ये ऑनलाइन पेमेंट होने लग गई, पेटीएम वेटीएम लोग यूज करने लगे, गूगल पे यूज करने लगे, उसके साथ साथ अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, चाहे लॉकडाउन की वजह से चल रहा है भाई। स्कूल कॉलेजेस सुबह सुबह 9 बजे बच्चों को खड़ा कर देते हैं यार वीडियो कॉलिंग के सामने, तो यार ये सब भी हो रहा है, तो ये क्या चीज हो रहा है, लोग डिजिटल हो रहे हैं। इसका मतलब तुम समझ जो डिजिटल का, यार मैं अपने जो दोस्त है ना, मेरे जो मॉडल एक्टर दोस्त है, मैं उनको ये बोलता हूँ भाई तुम डिजिटल प्लेटफॉर्म शुरू करो। क्योंकि एक एग्जांपल दूं, बीबी की वाइंस को ज्यादा लोग जानते हैं, भुवन बाम को ज्यादा लोग जानते हैं रादर देन कुछ बॉलीवुड एक्टर्स। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, गब्बर इज बैक अक्षय कुमार की मूवी थी, उसके ऑपोजिट में दिग्विजय पाटिल ऐसा करेक्टर था, उसका नाम बताओ दा, नहीं पता होगा। सोचो अक्षय कुमार के पैरेलल लीड का तुम्हें नाम नहीं पता और तुम बोलते हो यार मूवी में एक्टिंग करनी है, फेम मिलेगी फेम मिलेगी। यार देखो फेम मिलती है बट ना ये जो नेम के साथ रिकॉग्निशन, जैसे यार एक और एग्जांपल ले दो, चक दे इंडिया तुम सबने देख रखी होगी, कास्ट का नाम बता दो, जो ये जो इंडियन हॉकी टीम थी सारी लड़कियों का एक हाथ का पता भाई। अरे यार देखो यार मैं वही बताना चाह रहा हूं कि यार सोशल मीडिया आपको बहुत पॉपुलर कर सकता है, बहुत ज्यादा पॉपुलर कर सकता है। और सबसे बढ़िया बात पता है क्या, इंडिया में ना ये जो डेटा होता है ना इंटरनेट प्लान, ये काफी ज्यादा सस्ता है। और दूसरी चीज, इंडिया में कंज्यूम करने वाले लोग बहुत ज्यादा है, और अभी तो भाई जियो और ज्यादा जितना स्प्रेड हो रहा है, जितना और ज्यादा ये नेटवर्क और ज्यादा सस्ता हो रहा है ना भाई, और लोग आने वाले हैं। तो यार आपका चाहे प्लेटफॉर्म कोई भी है, टिकटॉक यूट्यूब इंस्टाग्राम या फिर तीनों के तीनों भाई, आप रॉक कर सकते हो। और एक जरा पर्सनल बात शेयर करूं, मुझे यूट्यूब और टिकटॉक ज्यादा बेटर लगते हैं बाकी सारे प्लेटफॉर्म से, पता है क्यों? ये वीडियो मैंने आज बनाई बट हो सकता है ये वाली वीडियो आप 2 साल के बाद देखो, क्योंकि ना रैंडमली YouTube आपकी रिकमेंडेड लिस्ट में ये वीडियो पॉप कर देता है। अगर तुम देख रहे हो 2 साल के बाद, 1 साल के बाद, मेबी 6 महीने के बाद, प्लीज कमेंट करके बताना। और अगर तुम अगले ही मिनट देख रहे हो वो भी बता देना, क्योंकि भाई सच्चे भाई हो तो नोटिफिकेशन ऑन कर रखी आए। YouTube के बारे में मेरे को एक और चीज बहुत अच्छी लगती है, एक्चुअली 3। सबसे पहली चीज, गूगल अगर नंबर 1 सर्च इंजन है तो भाई यूट्यूब नंबर 2 पे आता है। दूसरी चीज, एड रेवेन्यू। यूट्यूब से ये जो ब्रांड कोलैबोरेशन होती है, मैं कभी कभार दिखाता हूँ भाई ये प्रोडक्ट यूज करो, वैसे तो भाई उस प्रोडक्ट पे मेरे को पूरा विश्वास होता है, ऐसा नहीं होता कि भाई फर्जी चीज करता हूँ पैसों के लिए, बट उससे तो आप कमाते हो, आपको ना एड रेवेन्यू मिलता है, इतने व्यूज हुए इतने वॉच आवर्स हुए तो यूट्यूब आपको पैसे देता है। जैसे मैं एड प्लेस करूँ, लो आई ना एड आई ना, मतलब मैंने प्लेस करी थी, ये आपके हाथ में होता है, अगर हाँ तो मैंने करी थी, अगर नहीं तो शायद से अभी एड रिफ्लेक्ट नहीं हुई होगी, कुछ टाइम के बाद चेक कर लेना, इस टाइम पे मैंने एड प्लेस कर रखी है जो यूट्यूब मेरे को पैसे देगा। उसके अलावा यार यूट्यूब की जो डिजिटल अर्निंग है ना कभी रुकती नहीं, मैंने आज बनाई ये वीडियो, मे बी मैं सो रहा हूं तब आपने ये वीडियो देखी, इस एड रेवेन्यू की वजह से मेरे को तब पैसे मिल रहे हैं, मे बी मैं हग रहा हूं आप वीडियो देख रहे हो मेरे को पैसे मिल रहे हैं, मे बी मैं अपनी किसी लड़की के साथ मतलब समझ गए ना यार। अच्छा भाई बैक टू टॉपिक, तो भाई बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि इसकी आपको अब धीरे धीरे एक्साइटमेंट बढ़ रही होगी कि हाँ भाई हमें डिजिटली बढ़ाना है, हमें डिजिटली फॉलोअर्स बढ़ाने, हमें डिजिटली अर्न करना है। और सोशल मीडिया पे आप अपना ब्रांड भी लॉन्च कर सकते हो मेरी यही वाली ट्रिक्स अपना के। जैसे आपका अगर फोटोग्राफी पेज है उसको आप प्रमोट करना चाहते हो, आप कोई कपड़े बनाते हो वो फैशन ब्रांड आप प्रमोट करना चाहते हो, ये जो मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ 7 तरीके, इससे आप ब्लॉगर बन जाओगे, आपके फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे और पैसे को, वैसे पैसा ना आप 1,000 फॉलोअर्स भी कमा सकते हो,
उसका भी ट्रिक इसी वीडियो में। चलो यार अब 7 पॉइंट की बात करते हैं जो मैं तब से बोली जा रहा हूं, अभी तक लाया नहीं, अब शुरू करते हैं। पहला पॉइंट, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ले लो, वो हर कुछ टाइम के बाद ना अपने नए फीचर्स निकालता रहता है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं इंस्टाग्राम का, जब पहली बार IGTV आया था ना, IGTV 1 मिनट से ज्यादा वीडियो अपलोड कर सकते हो, आपने कुछ भी IGTV बना रखी हो, कुछ भी, इंस्टाग्राम वो IGTV एक्सप्लोर में डालता था। इंस्टाग्राम का ये फायदा हो रहा है कि भाई इंस्टाग्राम के ऑडियंस को वो दिखाना चाहते हैं कि भाई ये देखो नया फीचर आया, लोग ऐसे क्रिएट कर रहे हैं। और आपका क्या फायदा हो रहा है, एक्सप्लोर में आ रहे हैं, फॉलोअर्स किसके बढ़ रहे हैं, आपके। ये किसको नहीं पता था, आपको, किसने बताया, मैंने। ये नई नई चीज है, जैसे फेसबुक में फेसबुक ग्रुप, ओ भाई साहब बहुत एक्सट्रीम चीज है। लिंक्डइन में जो पोल वाला सिस्टम होता है। इसके अलावा ये सारे के सारे सोशल मीडिया पे तो 6-6 महीने के बाद ये नए फीचर्स आते हैं। जो अपना टिकटॉक है ना, उस पे AR फिल्टर्स आपको पता है, आपको पता है हर हफ्ते आते हैं। उसी टाइम ही उसी फिल्टर को आपने यूज करके अगर वीडियो बना दी, फॉर यू पे डायरेक्टली जाएगी भाई, डायरेक्टली, और फॉलोअर्स किसके बढ़ेंगे, आपके। इसको ये चीज नहीं पता था, आपको, किसने बताया, मैंने। दूसरा पॉइंट, स्टोरीज। ऑलमोस्ट हर प्लेटफॉर्म पे, चाहे तुम व्हाट्सएप ले लो, इंस्टाग्राम ले लो, फेसबुक ले लो, बट हम क्या करते हैं, 4 स्टोरी डालनी होती है, ये धड़ाधड़। अरे भाई यार क्यों ऐसा सीन करते हो, मैं आपको बताता हूँ। आपको 4 स्टोरी डालनी है। सबसे पहले आपने स्टोरी डाली 12 बजे, फिर 4 बजे, फिर 9 बजे, उसके बाद मे बी 10 बजे। इसका पैटर्न क्या है, कैसे है, वो मैं आपको समझाता हूँ। जब भी आपने सपोज करो इंस्टाग्राम खोला, आप पहली शायद से 30% यूजुअली लोग देखते हैं, पहली 30% की स्टोरीज देखी, बंद कर दिया, मे बी फीड्स देखने लगे, ऐसा ही होता है ना, ये एक्चुअली सर्वे है, ऐसा होता ही है। तो इससे क्या है, जो ये कॉन्सेप्ट है, आपने जो हर 4 घंटे के बाद आप स्टोरी डालो, उससे क्या कॉन्सेप्ट हुआ कि वो वाली आपकी स्टोरी फिर से आगे आ जाएगी, ज्यादा चांसेस हो जाएंगे लोग आपकी स्टोरी देखेंगे, लोग स्टोरी देखेंगे तो फॉलोअर्स किसके बढ़ेंगे, आपके। ये चीज किसको नहीं पता थी, आपको, किसने बताया, मैंने। भाई क्या कमेंट करके भी फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं, बिल्कुल भाई, और यही है मेरा तीसरा पॉइंट। यार देखो मैं आपको बताता हूं, सबसे पहले ऐसा करो, आप ये फोटो देखो कितने हजारों में लाइक्स हैं भाई। एक मेरे को बात बताओ, किसी ने भी ये सेलिब्रिटी की फोटो देखी, फिर उनका कमेंट सेक्शन देखा, ये बंदे को देखा, क्या इस बंदे की प्रोफाइल पर जाके नहीं देखा होगा कि यार ये है कौन, और क्या अगर इसकी प्रोफाइल अच्छी है तो इसको फॉलो नहीं कर रखा होगा। यही आपको स्ट्रैटेजी अपनानी। सपोज करो आप एक ब्रांड हो, मे बी एक फैशन ब्रांड हो, दिशा पटानी की आपने टर्न ऑन नोटिफिकेशन कर रखा है, दिशा पटानी ने कोई रंगीन फोटो डाली, आपने कमेंट करा, कुछ अजीब नहीं, कुछ बदतमीज वाला कमेंट नहीं होना चाहिए, कुछ फनी, मे बी कुछ वैल्यू एडिंग कमेंट अगर कर दिया, टॉप पे आ जाएगा, टॉप पे आएगा, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ लाइक्स उसको मिलने लग जाएंगे, टॉप पे और जाता रहेगा, और उससे फॉलोअर्स किसके बढ़ेंगे, तुम्हारे। किसको ये चीज नहीं बताती, तुम्हें, और किसने बताई, मैंने। भाई वो तो ठीक है, बट ना यार ये मेरे 2 दोस्त हैं, वो ना इन्फ्लुएंसर बन रहे हैं और उनके ज्यादा फॉलोअर्स भी हैं, भाई इन कमीनों से ज्यादा फॉलोअर्स से कर सकते हो भाई, और इन कमीनों के फॉलोअर्स से ही आप चढ़ सकते हो। कैसे, ये है मेरा तरीका। एक और सपोज करो मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूं जिसके 500 फॉलोअर है, और मैं जिस मेकअप आर्टिस्ट को फॉलो कर रहा हूं ना उसके 5000 फॉलोअर्स है, बट यार मेरा वो कॉम्पिटिटर है क्योंकि मैं चाहता हूँ उससे भी आगे निकलने का, तो मैं पता है क्या करूंगा, उसकी जो पिक्चर्स, उसकी जो पोस्ट है ना, वो शेयर करने लग जाऊंगा अपने पे और टैग करने लग जाऊंगा उसे। भाई ये तो उल्टी गेम बता रहे हो, क्या कर रहे हो, उसको थोड़ा प्रमोट करना है हमें उससे। सुनो मेरी बात, तुम्हारी 500 की ऑडियंस में वो दिखेगा, बट अगर उसने नोटिस कर लिया, उसने रीशेयर करा, उसकी 5000 की ऑडियंस में तुम देखोगे, फॉलोअर्स किसके बढ़ेंगे, तुम्हारे। किसको बात नहीं पता थी, तुम्हें, और किसने बताई, मैंने। पांचवा पॉइंट, ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे अगर आप वीडियो बनाओगे, साइंस रिसर्चेस, ये सारी जो स्टडीज होती है ना, सर्वे वगैरह, ये बोलता है कि भाई 1.5 गुना ज्यादा आपके व्यूज, आपकी एंगेजमेंट आती है। रिसेंटली अभी यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक टॉपिक चला, उससे पहले, उसके बाद में अभी हो सकता है आने वाला कोई टॉपिक चले। इस रिसेंट जो भी टॉपिक्स, जो गर्मा गर्मी टॉपिक्स होते हैं ना, उस पर अगर आप वीडियो बनाओगे, आपकी वीडियो ज्यादा चलेगी। अगर वीडियो, अगर फोटो, अगर ये सारा आपका कॉन्टेंट ज्यादा चलेगा, फॉलोअर्स किसके बढ़ेंगे, तुम्हारे। किसको नहीं ये पता था, तुम्हें, और किसने बताया, मैंने। और भाई अगर आप टिकटॉक जैसा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो ना, अगर जितने ट्रेंडिंग हैशटैग्स टॉपिक्स पे आप वीडियो बनाते हो, ये जो 1.5 गुना वाला जो मैंने अभी आपको सर्वे बताया ना, ये सीधा 10 गुना ज्यादा हो जाता है। छठे पॉइंट पे चलते हैं,
आप शॉर्ट आउट क्यों नहीं ले रहे थे बहुत फेमस लोगों से? भाई इतना आसान होता तो यार ये वीडियो देख रहे होते, ऑलरेडी फॉलोअर्स होते। सुनो तो तुम क्या करते हो शॉर्ट आउट लेने के लिए, उनको मैसेज करते हो, हेलो जी शॉर्ट आउट दे दो। देखो यार मेरी तरह कोई भला इंसान नहीं होगा हर बंदा कि मतलब शॉर्ट आउट दे। मैं हर रोज लोगों को शॉर्ट आउट देता हूँ, आप प्लीज मेरे को अगर कॉन्टैक्ट करो अगर आपको शॉर्ट आउट चाहिए। बट मैं चाहता हूँ आपको हर ये फेमस बंदा शॉर्ट आउट दे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप उनको मैसेज करो, भाई मैं आपका ना इंटरव्यू लेना चाहता हूँ। इंटरव्यू चाहे कैसी भी पब्लिकेशन का हो, कोई भी बंदा ले रहा हो, हमेशा ना इन्फ्लुएंसर जैसे अगर कोई बड़ा स्टार होगा वो ना चौड़ता है, देखो भाई मेरा लोगों ने इंटरव्यू लिया और टैग करेगा तुम्हें, और शॉर्ट आउट किसको मिलेगा? तुम्हें। मैं पूरा मैगजीन इंटरव्यू वाला सीन नहीं करना, आपने बस 5 सवाल उससे पूछने, क्वेश्चंस भेजने, वो आंसर करेगा, एज अ पोस्ट डाल देना, टैग करवा देना, और शॉर्ट आउट जब मिलेगा तो फॉलोअर्स किसके बढ़ेंगे? तुम्हारे। किसको ये बात नहीं पता थी तुम्हें और किसने बताई? अपनी प्रमोट करने की कोशिश करेगा, इंस्टाग्राम को पैसे देगा, मे बी यूट्यूब को पैसे देगा, और किसका प्रमोशन होगा? तुम्हारा। फॉलोअर्स किसके बढ़ेंगे? तुम्हारे। और ये बात किसको नहीं पता थी तुम्हें और किसके ने बात बताई? मैंने। अब ऐसे ही अगर आप ब्रांड हो, अगर मैं आपकी ब्रांड के हिसाब से सोचता हूं तो अगर आप ब्रांड हो ना, आपको फ्री सैंपल्स प्रोवाइड करने रादर देन बड़े इन्फ्लुएंसर की जगह छोटे इन्फ्लुएंसर पे, जैसे उनके 1000-2000 अगर फॉलोअर हो, बट उनके 1000-2000 ना थोड़े लॉयल फॉलोअर्स होंगे क्योंकि उनसे वो उनका इंटरेक्शन बढ़ेगा तो आपके प्रोडक्ट्स ही बिकेंगे और बार्टर में भी आराम से मान जाएंगे वो। और तीसरी चीज यार, ये इन्फ्लुएंसर को आप एक प्रोडक्ट दोगे ना, सिर्फ एक फोटो डालने के लिए ये 2-4 फोटो डाल देंगे, क्योंकि इनको बेसिकली शो ऑफ करना पड़ेगा कि यार हमें प्रोडक्ट आया, हमें प्रोडक्ट आया, और फाइनली आपका प्रमोशन होगा। तो यार ये देखो दोनों के लिए बहुत सारी सही सीन हो जाएगा। देखो यार यही थे मेरे 7 पॉइंट, और ये आपको मैं गारंटी देता हूं यार ये आपको नहीं पता होगा। यार ये मेरी सीक्रेट ट्रिक्स है यार, जिस वजह से मेरे इतने सारे फॉलोअर्स बढ़े हैं, तो प्लीज आप इसको यूज करने लगो। और यार देखो मेरे पास इतने सक्सेसफुली ये स्क्रीनशॉट्स मैं आपको शेयर कर देता हूँ, एक के फॉलोअर्स बढ़ गए, एक को ब्रांड मिल गया, एक के व्यूज देखो टिकटॉक पे कितने सारे आ रहे हैं। इनको मैंने पर्सनली अपनी ग्रूमिंग क्लास में सिखाया, अगर आपको ग्रूमिंग क्लास में मेरी आना है नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, आप उस पर प्लीज DM करके पूछ लेना, आपको डिटेल सारी बता देंगे। मैं हर शहर आता हूँ भाई सिखाने लोगों को, क्या पता अगला थैंक यू का मैसेज आपकी साइड से, और भाई दिल से मुझे बहुत खुशी होती है। बट स्टिल मैं लोगों का ना इंस्टाग्राम पे DM का भी रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ, DM कर दो भाई वो सारा सॉर्टेड हो जाएगा, फ्री में काम हो जाएगा, कई बार सारा का सारा सीन है बस भाई चलता। अच्छा तुम्हारा भाई ने ना पिछली वीडियो में ये पूछा था कि क्या भाई रैप निकाल दे, भाई लोगों ने पागल कर दिया, बोला यस अगली वीडियो रैप की डाल दो, उनकी लिरिक्स तो लिख ली है, सुनाऊं क्या? कुछ हथियार तुझे मेरे दिख गए, कुछ हथियार बेटा मैंने अभी खोले नहीं, जिंदगी में मैंने दारू पिए बहुत, पड़ते ही तरह छोटे कभी पैग मैंने डोले नहीं, पैग मैंने डोले नहीं, बकवास मैंने बोल कभी बोले नहीं, मेरे पास पूरा दारू का स्टॉक, मेरा डैशबोर्ड खोल पड़े चरस के हैं तोले भी, नशा कर कभी प्यार मैंने डोले नहीं, राज रखे राज राज कभी खोले नहीं, तुझे लगे तेरी गाड़ी सुपर फास्ट पर मेरी गाड़ी अच्छी लगे, चप चले हवाले सी, आंडू पांडू तेरे जैसे यहाँ पिट गए सब। यार पूरा थोड़ा सुना दूंगा यार तुम सुनोगे नहीं, चलो अगली वीडियो में तैयार रहना, तुम्हारा चल।